पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जाखड़ साहब, श्री जतिंदर मित्तल जी, दिल्ली से आए हुए सिरसा साहब, हमारे कैलाश चौधरी जी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजय सांपला जी, सम्मानीय चरण सिंह जी अटवाल जी, रजनीश धीमान जी, रमिंदर सिंह जी, इंद्रपाल सिंह जी, परमिंदर बराड़ जी, इंदर इकबाल सिंह अटवाल जी, पुष्पिंदर सिंगल जी, अनिल सरीन जी, बहन रेणु थापर जी, गुरुदेव शर्मा देवी जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, ऐसे मेरे मित्र भाजपा के उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज लुधियाने की इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले ये वीर भूमि पंजाब पर आकर महान सिख गुरुओं की परंपरा को दो हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब महाराणा रणजीत सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी और लाला लजपत राय जी को भी मन पूर्वक याद करना चाहता हूं। पंजाब के सूबे से गए एक एक जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अपने जान की बलिदान दी है, वो सभी जवानों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं छोटा सा था, मेरे गुरुदेव मुझे पढ़ाते थे पंजाब के बारे में, दो बातें कहते थे कि पंजाब न हो तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता, और दूसरा कहते थे पंजाब न हो तो देश का पेट भर नहीं सकता, दोनों पंजाब ही कर सकता है, पंजाब ही कर सकता है। हमला चाहे बाबर का हो, औरंगजेब का हो या पाकिस्तान का, हमेशा भारत की रक्षा करने का काम मेरे पंजाब से निकले हुए जवानों ने किया है। आज मैं गुरु तेग बहादुर जी को भी बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करना चाहता हूं। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीर से आए हुए कश्मीरी पंडितों की बात पर हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिल्ली के दरबार में देने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। ये संदेश है जो आज हिंदू सिख की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो मानते हैं कि हम बचे ही नवम गुरु के बलिदान के कारण, बचे हैं नवम गुरु के बलिदान के। ये जो झगड़ा लगाना चाहते हैं उनको गुरु तेग बहादुर जी का जीवन समझना चाहिए। मैं आज महाराणा रणजीत सिंह को भी मन पूर्वक याद करना चाहता हूं। देश का सम्मान अफगानों के सामने बचाना हो या अंग्रेजों के सामने बचाना हो, महाराजा ने हमेशा पंजाब के शेर की भांति देश का सम्मान बचाया। मैं यहां आया हूं लुधियाना वालों,
पूरे देश में घूमता 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 अंत में पंजाब आया हूं। 5 चरण के चुनाव का मेरे पास परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? और जोर से बोलो, जानना है क्या? 5 चरण के बाद मोदी जी 310 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने का काम पूरा कर चुके हैं। और एक छठा और सातवां, मोदी जी को 400 पार लगाने वाला है, 400 पार लगाना। 4 तारीख को 400 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, मैं आज पंजाब की जनता को 2 हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं, भाजपा की सरकार तो बन रही है मगर मोदी जी की माला में आप यहां से भी कुछ कमल भेज दीजिए, वो पंजाब को खुशहाल बनाए। ए रवनीत बिट्टू मेरा दोस्त है, 5 साल से दोस्त बना है मेरा। मैंने संसद में सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के एमपी थे तब भी कहा था, रवनीत बिट्टू मेरा दोस्त है और जिन्होंने भी इनके दादाजी की हत्या की है उनको हम माफ नहीं कर सकते, नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं अपील करने आया हूं, ये रवनीत बिट्टू को लुधियाने से दिल्ली की संसद में भेजिए, इसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा, मैं करूंगा। बताओ भेजेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, भेजेंगे क्या? भाइयों और बहनों, 4 जून और 1 जून को केजरीवाल जी को जेल जाना है और 6 जून को राहुल बाबा वैकेशन पर बैंकॉक जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये मुकाबला किसके बीच में है? एक और थोड़ी गर्मी तपते ही बैंकॉक थाईलैंड जाने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहने के बाद दीपावली के दिन भी छुट्टी बनाए बगैर सरहद पर जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और है, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो देश भर में तो गले मिलकर चलते हैं, जैसे ही पंजाब की बॉर्डर शुरू होती है जानी दुश्मन बन जाते हैं। भारत माता की मैं आज आप पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पूछना आया हूं, भैया दिल्ली में आपका समाधान है, आपका दिल्ली में समाधान है, हरियाणा में समाधान है, गुजरात में समाधान है, तो पंजाब में क्यों नूरा कुश्ती कर रहे हो, काहे क्यों कर रहे हो? भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, एक गवंडिया गठबंधन जो मोदी साहब के सामने चुनाव लड़ रहा है इसका इतिहास क्या है? एक कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किए एक कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी ने, और भाइयों बहनों दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है मगर 25 पैसे का आरोप मोदी जी पर कोई नहीं लगा सका, कोई। भाइयों बहनों,
ये सारे लोग चुनाव जीतने के लिए हिंदू सिख की बात कर रहे हैं, उनको सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनाया और राम मंदिर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने। भाइयों बहनों, आज मैं स्पष्टता से कहने आया हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी देश आजाद हुआ तब होती तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर, करतारपुर साहिब का गुरुद्वारा पाकिस्तान में न होता, भारत में होता, भारत में। मोदी जी ने ठीक ही कहा, 71 में लड़ाई हारे थे, 1,00,000 सैनिक अपने यहां गिरफ्तारी में था, अरे उस वक्त भी करतारपुर साहिब मांग लेते तो देना पड़ता, मगर याद नहीं आया। इसके बाद सालों से दुनिया भर के सिख हिंदू मांग करते रहे एक कॉरिडोर बन जाए, हम नानक देव महाराज को श्रद्धांजलि दे, उनका स्मरण कर पाए। नहीं बनाया। किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने बनाया, नरेंद्र मोदी ने। और 70 साल से ये राम जन्मभूमि का मंदिर ये कांग्रेस पार्टी अटका कर रखी थी, भटका कर रखी थी, लटका कर रखी थी। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, न केवल करतारपुर साहिब, न केवल राम मंदिर, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था, मोदी जी ने उसको भी बनाने का काम किया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने से मढ़ने का काम चालू हो चुका है। भाइयों बहनों, चालू हो चुका। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। मुझे बताना लुधियाने वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, पाकिस्तान तक आवाज आनी चाहिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी, ये आप पार्टी हमें डरा रहे हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं। आज मैं गुरुओं की धरती से कह कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, हम सीए लाते पाकिस्तान में बचे हुए, अफगानिस्तान में बचे हुए, बांग्लादेश से आए हुए सिख हिंदू भाई बहनों को नागरिकता देने की, ये आप पार्टी इसका विरोध करती, ये कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती। एक और तो घुसपैठियों के लिए आप लाल जाजम बिछाते हो और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को आज कहने आया हूं, इतने सालों से एक मांग थी वन रैंक वन पेंशन की, पंजाब के हर घर से एक बेटा जवान होता है जो देश के सीमाओं की सुरक्षा करता है, वन रैंक वन पेंशन की मांग राहुल बाबा आपकी दादी के समय थी, आप नहीं देते थे। पंजाब वालों, 14 में मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने
वन रैंक वन पेंशन का काम पूरा कर 1,20,000 करोड़ सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम नरेंद्र मोदी। एक कांग्रेस पार्टी ने, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी कर 1,20,000 करोड़ सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम नरेंद्र मोदी। एक कांग्रेस पार्टी ने, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पंजाब को घाव देने का काम किया है। आजादी के वक्त विभाजन का घाव दिया, फिर बंटवारे का घाव दिया, अस्थिरता का घाव दिया, उग्रवाद पनपने दिया, और आज भी अलगाववाद आगे बढ़ा रहे हो। दिल्ली में सिखों का नरसंहार कराने का काम भी एक कांग्रेस पार्टी ने किया। और भाइयों बहनों, पंजाब को नशे की आग में डालने का काम भी एक कांग्रेस और आप पार्टी कर रही है, आप पार्टी कर रही है। मैं आज, ये कोई चुनावी बात नहीं, बड़े मन से पंजाब की जनता को कहने आया हूं, मेरे मन में आपसे ज्यादा पीड़ा है पंजाब के युवाओं को नशे की हालत में देखकर। आपसे ज्यादा पीड़ा मेरे मन में, मेरे हृदय में होती है। हम इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं। चुनाव को बाजू पर रखिए, मैं लुधियाना में कहकर जाता हूं पंजाब की जनता को, अगले 5 साल में मोदी 3 में पंजाब से नशे की गर्त को मूल समेत उखाड़कर हम समाप्त कर देंगे। और जाखड़ साहब, आपने कहा है, आपने मेरे मन की बात छीन ली। जाखड़ साहब, एनसीबी की ऑफिस हर देश में एक है, पंजाब में 17/7 एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ऑफिस हमने तैयार कर रखा है। मोदी 3 में मैं स्वयं इसको आगे बढ़ाने वाला हूं। पंजाब को, इस सरहदी राज्य को नशे की गर्त में हम नहीं डूबने देंगे। पंजाब को फिर से एक बार आतंकवाद के आग में नहीं जलने देंगे। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त कर कश्मीर से आतंकवाद समाप्त किया है। और जो जो लोग पंजाब में आतंकवाद की बात करते हैं, वो कान खोलकर सुन लो, अपना भला इच्छते हो तो आतंकवाद से दूर रहना, वरना हम किसी को नहीं बख्शेंगे। ये मेरा पंजाब की जनता को वादा है। भाइयों बहनों, पूरा पंजाब आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के एटीएम से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बना। उनको चुनाव लड़ना है, अपना क्रेडिट कार्ड मान नाम का क्रेडिट कार्ड एटीएम में डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। और छोड़िए साहब, पंजाब के सूबे के मुख्यमंत्री का जलवा हमने देखा है। और आज हाल क्या हो गया, केजरीवाल को गुजरात जाना है तो मुख्यमंत्री पायलट बनकर उनके साथ जा रहे हैं। केजरीवाल को बंगाल जाना है, मान साहब पायलट बनकर उनके साथ जाते हैं। केजरीवाल को चेन्नई जाना है तो मान साहब पायलट बनकर चेन्नई चले जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, एक केजरीवाल के पायलट है या पंजाब के मुख्यमंत्री है, मेरी समझ में ही नहीं है। मगर एक काम अच्छा किया मान ने, केजरीवाल जेल में गए,
साथ में नहीं गए, उसको अकेले भेज दिया। भैया मान साहब, ये भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए, पंजाब की जनता बड़ी त्रस्त हो चुकी है, समय पर संभल जाइए। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने सिख पंथ और गुरु परंपरा का जितना सम्मान किया है शायद ही किसी ने किया। 26 दिसंबर को दोनों साहबजादों की याद में वीर बाल दिवस मनाने का काम किया और हमेशा के लिए मनता रहेगा। 120 करोड़ से करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया, नानक देव साहब का 550वां प्रकाश वर्ष मनाया, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाया, पोस्टल स्टैंप जारी किए, सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज सिटी बनाया, अमृतसर को हेरिटेज सिटी बनाया, श्री दरबार साहब को इतने समय से FCRA नहीं मिलता था, मोदी जी ने FCRA दिया, लंगर और मंदिरों के प्रसाद पर से GST हटाया, ब्लैकलिस्ट छोटा किया, सिख दंगों के पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया और उनके दोषियों को सजा देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये जो आप पार्टी की सरकार है, ये वादा खिलाफी की सरकार है। मैं बताता हूं, हर माता बहन को 1000 रुपया देने वाले थे, किसी के घर में आया है भाई? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? 1 महीने में नशा मुक्त करने वाले थे, किया है क्या? पंजाब विधानसभा में बजट के प्रोविजन कर 16 मेडिकल कॉलेज खोलने वाले थे, एक भी नहीं खुला। और भाइयों बहनों, ऐसे ढेर सारे वादे हैं। मैं भगवंत सिंह मान को कहना चाहता हूं, मान साहब ये तो पंजाब का सूबा है, मर्दों का प्रदेश है, मस्करी करना एक बात है, पंजाब को सुधारना दूसरी बात है, ये आपके बूते का काम नहीं। भाइयों बहनों, ये आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सम्मान को खत्म करने का काम किया है। 2 साल में 50,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेकर उन्होंने पंजाब के हर बच्चे पर 1000 करोड़ का कर्ज का बोझ लादा। पहले अकालियों ने किया, उसके पहले कांग्रेसियों ने किया, और अबे भगवंत मान भी यही कर रहे। मोदी जी ने 5 लाख रुपया हर गरीब के लिए आयुष्मान भारत योजना चालू की है, उसका अमल पंजाब में नहीं हो रहा है क्योंकि वो पेमेंटें नहीं कर रहे हैं। और ये पंजाब की सरकार जो है ना, ये झोला छाप सरकार है। मेरी बात ध्यान से सुनना, झोला छाप सरकार। नरेंद्र मोदी जी हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त भेज रहे हैं। ये भगवंत मान वो 5 किलो अनाज पर अपना झोला चढ़ाकर केजरीवाल की फोटो छापकर गरीब को दे रहे हैं। अरे भगवंत मान, कोई गरीब झोला नहीं खा सकता, खर्चा करना ही था तो मोदी जी 5 किलो देते हैं, तुम 2 किलो गेहूं और दे देते, मगर झोला चढ़ाने से पंजाब के लोग मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं एक ही बात करना है, जहां जहां पर डबल इंजन सरकार चली, इससे भी ज्यादा कठिन समस्या वाले मुल्क आज विकास की पटरी पर चढ़े, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह
जहां जहां डबल इंजन सरकार बनी मोदी जी ने विकास किया है। पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है। पंजाब के विकास के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। पंजाब से अलगाववाद समाप्त करने के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। पंजाब के अंदर ड्रग को समाप्त करने के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी को चाहिए। पंजाब में उद्योग वापिस लाने के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी को चाहिए। और पंजाब में हिंदू सिख एकता मजबूत करने के लिए आपका साथ नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। लुधियाना वालों जरा जोर से बताओ, नरेंद्र मोदी को साथ दोगे क्या? अरे अंत तक हाथ उठाकर बोलो, दोगे क्या? रवनीत आ गया, रवनीत सिंह बिट्टू को जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? तुम मेरे साथ बोलिए, वाहे गुरु जी का खालसा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे।